स्वागत है दोस्तों आपका टेक्निकल जंगल के शो में। जैसा कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं हैकिंग के बारे में समथिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूं। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, जिसमें आप देखोगे किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट मान लो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसके डोमेन नेम सर्वर नेम जो भी उसका व्होइस क्वेरी है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट का प्रेजेंट चल रहा है उसको देखना बताऊंगा, और उसके बाद दोस्तों मैं उसका हिस्टोरी पास्ट जो है हिस्ट्री वो देखना बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने दोस्तों उसका प्रेजेंट देखते हैं किसी वेबसाइट का। जैसे दोस्तों आप facebook.com है, इसके बारे में अपने देख लेते हैं नॉर्मली, और नहीं तो बाकी और कोई आप देखना चाहते हैं और कोई देख सकते हैं, फेसबुक देखते हैं। उसमें सर्च करते हैं दोस्तों गूगल। दोस्तों सबसे पहले इसमें देखेंगे वेबसाइट वेबसाइट हो गया दोस्तों .infome.com, इसको ओपन करेंगे। जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों इसके नीचे लिखा है सर्च फॉर डोमेन नेम, इसके अंदर आप किसी भी डोमेन नेम का लिख दीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे अपने नॉर्मली फेसबुक सबसे बेस्ट है या गूगल, उनको सर्च करके देख लेते हैं, अपने गूगल को सर्च कर लेते हैं डोमेन। दोस्तों इसके अंदर आपको आईपी हुईज मिल जाएगी, हुईज कवे मिल जाएगी, स्टार्ट एंड डिटेल मिल जाएगी, कब ये स्टार्ट हुई थी वेबसाइट, और इसको जनरल इन्फॉर्मेशन जितनी वो मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले गूगल के बारे में इसने बता दिया, सर्च द वर्ड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द पेज एंड इमेज वीडियो और मोर, इसके लिए बनाई गई है एप्लीकेशन, ठीक है। वेबसाइट जो भी है 1997 15 9 2 1997 में ये बनाई गई थी। अभी एक्सपायरी जो होगा इसका 2020 में इसकी एक्सपायरी डेट डोमेन की। ये ओनर का नाम ये आ गया दोस्तों, होस्टिंग कंपनी आ गई, ईमेल एड्रेस आ गया, डीएनएस कौन सा डीएनएस पे काम कर रहा है वो आ गया दोस्तों। फिर उसके बाद है स्टार्ट एंड डिटेल, इसमें दोस्तों इसमें आप देख लो कब स्टार्ट हुई थी, कब ये जो भी है, इसमें ट्रैफिक कितना ट्रैफिक रह रहा है मंथली वो बता देगा, डोमेन नेम बता देगा दोस्तों सब। इसमें आपको जो भी डिटेल है वो सारी मिल जाएगी दोस्तों। हुईज में देख लो आईपी एड्रेस, जिस आईपी पे एक कंपनी पूरी काम करती है सारे आईपी बता देगा दोस्तों इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, वेबसाइट या प्रेजेंट जो भी जरूरत मिल जाएगा। सेकंड दोस्तों इसमें आपको दिखाता हूँ मैं archive.org। इसमें दोस्तों वेबसाइट का पास्ट दिखाया जाता है, पास्ट में क्या इसमें लास्ट अपडेट कब हुआ, कब क्या हुआ था, तो ये आपको archive.com में बता जाएगा। इसमें वही सिस्टम है, इसमें URL सर्च की कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों आप जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से लेके आज तक सारी डिटेल देख सकते हैं, तारीख तक आप बता देंगे इस तारीख को यहाँ पे क्या था वो भी आप सर्च करोगे। जैसे अपने 2-3 में देख लेते हैं, 3 का ये कैलेंडर आ गया, आपको कितने तारीख को देखना चाहते हैं उस तारीख पे क्लिक कर दीजिए, आपको उस तारीख की पूरी डिटेल बता देगा कब क्या हुआ था, उस दिन अपडेट किया था या नहीं किया था, इसका वेब पेज कौन सा था वो भी आ जाएगा इसके अंदर। इसका पहले 2003 में पेज जो था डिजाइनिंग वो इस तरह थी। तो दोस्तों आप इसके अंदर सारी डिटेल मिल ले सकते हैं। अगर आपको और कोई इसकी चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे कमेंट बताइए, आपको जितनी भी डिटेल चाहिए इसमें वेबसाइट की तो सारी इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख के बताइएगा मुझे ये वीडियो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया जिन्होंने किया वो थैंक यू सो मच, वो लाइक कीजिए।